हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से जो हम वर्ड फाइल में जो डॉक्यूमेंट तैयार किए रहते हैं, जो डाटा हम बनाए रहते हैं, उस डाटा को किस तरीके से इंक्रिप्ट किया जाता है, पासवर्ड लगाया जाता है, जिससे हम भविष्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारा जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स फाइल है, उसको ओपन ना करें, इस उद्देश्य से हम फाइल को कैसे लॉक लगा सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिपेयर में जाते हैं। प्रिपेयर में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। हम इसमें एंटर करते हैं। इंक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे पासवर्ड डालने बोल रहा है, तो हम कोई भी सिंपल सा पासवर्ड डाल लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पासवर्ड डालने बोल दिया है, हमने पासवर्ड डाल दिए हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है इंक्रिप्टेड कंटेंट ऑफ दिस फाइल री इंटर पासवर्ड, तो आपको री इंटर पासवर्ड डालना होगा। जो पासवर्ड आप डाले हो, वही पासवर्ड फिर से आपको डालनी होगी। तो अब हम जब देखेंगे इस फाइल को, जैसे हमारा ये फाइल सेव कर लेते हैं कहीं पे भी, डेस्कटॉप वगैरह में जहाँ पे, तो ये हमारा जो फाइल है सेव है डॉक्यूमेंट्स के नाम से। अब मैं इस फाइल को यहीं से डिलीट कर देता हूँ और फिर से देखिए, हमने जो फाइल अभी बनाए हैं उस फाइल को इंक्रिप्ट कर दिए हैं, लॉक लगा दिए हैं। अब इसमें जब तक हम पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ओपन नहीं होगा, तो चलिए इसमें पासवर्ड डाल देते हैं। देखिए, इस तरीके से काफ़ी आसानी से हम जो है अपने फाइल को सिक्योर कर सकते हैं। अब किसी भी कहीं भी आप इस फाइल को दे सकते हैं। तो ये काफ़ी आसानी से हम इसमें पासवर्ड लगाकर अपने फाइल को सेव कर सकते हैं।